सैम बहादुर सैम बहादुर है भाई, पिक्चर को अवार्ड मिलना चाहिए वीके कौशल को पर्टिकुलरली, और कहीं की जगह पे तो रोंगटे खड़े करने वाली परफॉर्मेंस दी, और फिल्म बहुत अच्छी लगी। अरे क्लास एकदम सुपर, तूने सही अच्छी एकदम ग्रिप करके रखा, एक्टिंग बहुत बढ़िया की उसने, एकदम पिक्चर में जान डाल दी पूरी। आपको लगता है कि कोई आप मेजर साहब को देख रहे हो, ये साल का अवार्ड लेके जाएगा बेस्ट एक्टिंग, वेल पोर्ट्रेट पिक्चर है, आपको 10 में से 100 मार्क्स दे सकते हैं आप उसको, इससे अच्छा कोई दूसरा कोई एक्टर एक्ट नहीं कर सकता। सैम बहादुर वाज लाइक सैम बहादुर वाज एक्चुअली अमेजिंग, उसमें जो विकी कौशल की एक्टिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी आई वुड से, इसमें जो सानिया के साथ केमिस्ट्री दिखाई है दैट्स अमेजिंग, देन जो फातिमा ने इंदिरा गांधी का रोल किया है, द होल लुक द होल एक्सेंट इट वॉज ब्यूटिफुल, बहुत अच्छी मूवी है, विकी कौशल ने बहुत मेहनत की है, ऐसा लगता नहीं हम बायोपिक देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लाइव मानेकशॉ को देख रहे हैं। डायलॉग डिलीवरी बोल के एक्शन बोल के हर कोई निकल जाता है, हर कोई एक्टर ऐसे करता है, लेकिन जो उन्होंने अपने आपको पूरा चेंज किया, लग रहा था कि वो एक सैम बहादुर है नॉट ए विकी कौशल। मेघना मैम जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया फिल्म को, मैं चाहूँगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आए और फिल्म को देखें। अगर हम फिल्म देखते हैं ना तो हमें विकी कौशल देखना ही नहीं था, हमें सैम बहादुर देखना था, और मैंने सैम बहादुर को देखा तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे ये जिशान अय्यूब का काम बहुत अच्छा लगा, उनको मैं पहचान ही नहीं पाई थी, बहुत देर बाद मुझे समझ में आया कि ये जिशान अय्यूब है। आज के यूथ को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए बिकॉज फिल्म में बहुत मोटिवेशन है। ट्रेलर वगैरह में ही पता लग गया होगा कि विकी कौशल जी कुछ अलग लेके आ रहे हैं, तो वाकई उन्होंने इसको पूरी फिल्म में कैरी किया है, बॉडी लैंग्वेज जो होती है उन्होंने बखूबी निभाया है इस चीज़ को, डायरेक्शन नो डाउट बहुत अच्छा था भाई, मैंने बोला कि बहुत ही काबिल तारीफ था सर। पूरे 5 मार्क्स, 5 में से 5, 4.5, 4.5, 4.5, 4 स्टार, 4 देना।